कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए शिक्षा धाम को और करें अपने 11th, 12th एंड बीकॉम क्लासेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हर किसी को चेक करिए फटाफट, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियरिटी साफ दिख रहा है। तो हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जितना भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है सुबह तक, उन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा हमारा क्या होगा, एक पता चल जाएगा क्या पैटर्न है। क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको एक एच और एक एस लिमिटेड कंपनी दे रहा है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च 2020। आपको शेयर कैपिटल दे दिया इसने एच लिमिटेड और एस, और आगे सारी इंफॉर्मेशन रिजर्व भी है, सरप्लस भी है। तो यहाँ पे रिजर्व का मतलब है जनरल रिजर्व और सरप्लस का मतलब है हमारा प्रॉफिट, और ये दोनों एक ही का पार्ट है। नीचे क्रेडिटर कहता है, पीपीई कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी फिक्स एसेट्स, और इसी के अंदर ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, नहीं नीचे इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो हम सारी बातों को समझेंगे। कहता है एच लिमिटेड एक्वायर इन द शेयर एस लिमिटेड, एच लिमिटेड होल्डिंग है उसने एक्वायर कर लिया, कितने शेयर एक्वायर कर लिए उसने, कुछ भी ना बताया हो तो आपको कैसे पता चलेगा कितने शेयर एक्वायर किए, अभी हम चेक करते हैं। और इस डेट पे कुछ रिजर्व एंड सरप्लस और कुछ बैलेंस शीट है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे मेन पॉइंट्स क्या है, अब सबसे पहले दो कंपनी है आपको कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है, मैं सामने करके भी बता रहा हूं ताकि आपको पता चले, कुछ ऐसे गिवन है। मैं नॉर्मल वाली बैलेंस शीट बना देता हूं, और हालांकि बुक वालों ने भी यही बना रखा है, और ये एक एच लिमिटेड है और एक एस लिमिटेड है। तो आपको ना हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे ना, तो सीधा ध्यान आपका होना चाहिए एसेट पे, और एसेट्स के आपको एच लिमिटेड को देखना है कि यहां इन्वेस्टमेंट कितने का है और एस का कितना खरीदा है। पहली बात ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एच लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट को देखना है कि सर इसका इन्वेस्टमेंट कितने का है और कितने का खरीदा है। समझ रहे हो बात को, कितने का है और कितने का खरीदा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि उसने सारा स्टेक ले लिया या माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ भी है, उससे हमें क्लियर पता चलेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, और साथ के साथ आपको इसका एसेट्स देखना है और शेयर कैपिटल किसका देखना है, एस का। दो चीजें देखनी है, एक तो शेयर कैपिटल देखेंगे किसका हम, एस का। और जैसे कि मान लो यहां पे 1 लाख है और यहां भी 1 लाख है, तो इसका मतलब क्या समझे हम, इसका मतलब है कि जी इसका 1 लाख इन्वेस्टमेंट है और 1 लाख का शेयर है, 100% कंट्रोल है, क्योंकि उसके शेयर कितने थे, 1 लाख के, और मैंने उसके शेयर जब खरीदे तो अपने इन्वेस्टमेंट में डाल रखा है, वो कितने का है, 1 लाख रुपए का, तो इसका मतलब 100% कंट्रोल है। अगर मैं बोलूं मैंने 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है, तो मुझे जवाब दीजिए कमेंट में कितने परसेंट होल्डिंग है मेरी, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने परसेंट, 40%। अब दूसरी चीज और ध्यान रखना है कि हम सिर्फ शेयर कैपिटल का नहीं देखेंगे, हमें सब कुछ काउंट करना पड़ेगा, रिजर्व वगैरह सारी चीजें, है ना। तो चलिए ठीक है, चलिए फिर इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है पढ़ते हैं। हम ध्यान देंगे एस लिमिटेड के अंदर जो शेयर है, एस लिमिटेड में क्या क्या है, शेयर कैपिटल है कितने रुपीस का, 1 लाख का। जो इन टर्म्स ऑफ नंबर की हम बात करें तो 20 रुपए का 1 है, तो नंबर की अगर हम बात करें तो कौन बताएगा नंबर 20 का 1 है, तो 5000 शेयर है। सर क्या और कुछ भी है एस लिमिटेड के अंदर, रिजर्व है, रिजर्व कितने का है, 20,000 का है। और भी कुछ है क्या, बिल्कुल है, सरप्लस है, कितने का है, 10,000 का, ठीक है। अब हमें चेक करना है एच लिमिटेड ने कितना एक्वायर किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट 3000 शेयर ऑफ, यानी जो एच लिमिटेड है, अब एच लिमिटेड मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि होल्डिंग है, इसके पास कितने शेयर है, 5000, 5000 में से इसने इसके शेयर खरीद रखे हैं, और कितने खरीद रखे हैं,
और 3000 सिंपल सी बात है, 20 रुपये का एक है, तो इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा इसमें 60,000 अगर इन्वेस्टमेंट किए, तो वही देखो आपको 3000 शेयर, और आउटसाइड में देखोगे तो लेकिन आपको नज़र कितना आ रहा है 90। तो इसका मतलब इसके 3000 शेयर मैंने खरीदे हैं और जो मैंने पेड किया है वो पेड किया है कितना, तो सर 3000 शेयर 60,000 पेड 90, भाई रिजर्व एंड सरप्लस का भी तो पैसा देंगे। हमें तो बस अभी इतना पता चला है कि इसके 5000 में से कितने खरीदे हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं लेके चलूंगा, बुक के अंदर बड़े सारे कैलकुलेशन है, उस सबको इग्नोर, जो मैं सिखाऊंगा लास्ट में आंसर मैच करना है आपने, ठीक है। तो कितने खरीदे हैं भाई इसने 3000, और 3000 के लिए एक्चुअल पेमेंट कितना होना चाहिए, जबकि पेमेंट कितना किया। अब आपको सिंपल एक परसेंटेज निकाल लेना है, परसेंटेज। तो सर अगर 5000 टोटल था और 5000 में से इसने 3000 खरीद लिया, तो मुझे बताओ होल्डिंग कितने परसेंट होगा, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। परसेंटेज निकालने का तरीका देखो, वैसे तो आपको आता ही, फिर भी मैं बता देता हूँ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्या होल्डिंग है। परसेंटेज निकालते हैं पहले तो इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी जो हमने होल्ड किया है, किसी का परसेंट होल्डिंग का निकाल रहे हैं ना, जो होल्ड किया है कितना होल्ड है, और डिवाइडेड बाई टोटल 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। कोई दिक्कत आ रही है क्या एप्लीकेशन पे, नहीं क्लियर वॉइस है, एक बार बताइए मुझे, बताइए फटाफट। ठीक है तो आप ध्यान दीजिए, चलिए कम टू द बैक पॉइंट। 5000 है, 30000 है, तो आपने मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया सर होल्डिंग कंपनी परसेंटेज के टर्म्स में होल्ड करती है कितने परसेंट, 60%। तो होल्डिंग कंपनी का 60% है और माइनॉरिटी के पास रह गया 40, यानी सब्सिडरी के पास 40। तो अगर ये 60% होल्ड कर रही है ना, तो 60% व्हाट होल्ड करेगी, सबका 60%, समझ रहे हो बात, हर किसी का 60% होल्ड करेगी। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट पोस्ट वाला है तो उसका 60 नहीं लेगी वो, उसका तो लगभग वो 100% ही कवर करती है, हम आएंगे पहले तो ये देखो। तो इसका मतलब हम सिंपली, और आगे क्या कहता है क्वेश्चन में वो भी हम पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है सर जिस दिन हमने इसको एक्वायर किया था उस दिन रिजर्व में तो 5000 ही थे और सरप्लस में 6000, लेकिन आपको यहां पे दिख रहा है 20 और 10, तो किसका मतलब क्या समझे, जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन रिजर्व में थे कितने, 5000, और अब मैं बता रहा हूं रिजर्व 20, तो इसका मतलब रिजर्व कर जिस दिन एक्वायर किया है और जिस दिन का आपको बैलेंस शीट दिख रहा है उस ड्यूरेशन में गैप आ गया है, जिस गैप के अंदर कंपनी ने पैसे कमा लिए हैं। तो यहां पे प्री और पोस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो यानी इस प्रॉफिट को मैं ध्यान से देखूं, इसलिए मैंने थोड़ा गैप दे दिया था, इस प्रॉफिट में 5000 रुपए तो वो है जो कि पुराने हैं और 15000 वो है जो नए हैं। अब बताइए जब हम रेशियो में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का डिवाइड करते हैं तो कितने परसेंट का डिवाइड करते हैं, हम सिर्फ डिवाइड किसका करेंगे 60%, और उसमें मैं कंसीडर क्या करेंगे, ये वाला प्री हो गया और ये क्या हो गया बताइए सर, ये हो गया पोस्ट, ठीक है। ऐसे 10000 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में सर, 10000 में से हमारे पास था, इसका मतलब 4000 बाद में कमाया है, तो 6000 क्या हो गया प्री और ये क्या हो गया पोस्ट। दिमाग में कैलकुलेशन रखना, कोई जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन एग्जाम में, बस कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए। अब मैं एक और रफली बनाता हूं, इसका मतलब सर एस लिमिटेड को जब मैं खरीदने गया तो शेयर कैपिटल तो 1,00,000 रुपए का था और उसका रिजर्व जो होना चाहिए था उस दिन वो था 5000 का और उसका सरप्लस जो होना चाहिए वो था 6000। अल्टीमेटली हिसाब लगाएं तो 1,11,000 की कंपनी थी उस दिन पे ये। यानी सिंपली मैंने क्या करा, एक इस क्वेश्चन में से निकाल के एक समझ लिया कि उस दिन के डेट पे कितने की कंपनी थी, और इसका अगर मैं 60% खरीद लूं तो 60% कितना होता है 1,11,000 का, 60% इसका खरीदने की बात करता हूं, 1,11,000 का 60%, यानी इसका वैल्यू बनता है 66,600। हाँ के ना, पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया,
यानी उस डेट का अगर मैं वैल्यूएशन निकालूं तो कितना आएगा, 66,600। पहले यहां तक देखो समझ में आए, उसके बाद मैं आगे कॉन्सेप्ट चलूंगा। आराम से देखिए, किसी को डाउट है तो यस बोलिए, और इससे जो यहां करा है मैंने, और अगर नहीं डाउट तो फिर कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब अल्टीमेटली इस कंपनी का आपने खरीदा 66,600 और पेमेंट कितना करा, 90,000। अब दिमाग लगाइए, 90,000 दे दिए और कंपनी कितने की खरीदी, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा, कम में लिया हमने या ज्यादा में लिया है, बताओ। पेमेंट करा है 90, ज्यादा है ये, कम थोड़ी है। मैंने पेमेंट कितना किया है, 90,000। ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, पेमेंट कितना किया है, 90,000, जबकि मिला सामान कितने का है। इसका मतलब यहां पे निकल के आएगा जी सर गुडविल, यहां पे निकल के आएगा सर गुडविल। बता सकता है कोई बच्चा गुडविल, बताए मुझे गुडविल, बताए कोई बच्चा। सर यहां पे गुडविल निकलेगा, और गुडविल सर कैसे निकालोगे, 90 की पेमेंट और 66,600 का सामान, तो बाकी हमारा आ जाएगा 23,400 का व्हाट, गुडविल। पहले समझिए, ये बात समझिए, सिंपल सी बात है। हमें एक मोटा मोटी ना पूरा कैलकुलेशन, वैसे बुक में बहुत तरीके से लंबा चौड़ा कर रखा है, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उस कैलकुलेशन को मैंने बोला उस कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना अभी फिलहाल। मैंने जो समझा है ये समझ में आया, तो वो भी कैलकुलेशन वही है, उन्होंने बस तरीका अलग कर रखा है आपके बुक के अंदर। और आपके बुक में देखोगे तो लास्ट के अंदर बस उन्होंने कर दिया होगा 23,400 इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल मिल जाएगा आपको देखोगे तो, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक, ये मैंने गुडविल निकाल लिया। अब बात करते हैं MI, मेन MI क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करें ना। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर दिमाग आपका खराब होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट आएंगे, प्री के भी आएंगे और पोस्ट के भी, दोनों के आएंगे। पहले ये समझ में आ गया, चलिए मेरे पास यहां तो नोट्स टू अकाउंट्स में चला जाएगा जगह सारा। चलिए मैं थोड़ा और स्पेस क्रिएट करें, यहां पे देखिए जी, ठीक है, सभी ने बता दिया गुडविल होगा, 23,400 भी आंसर दे दिया, बिल्कुल ठीक है। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सर, अगर ये 60% इसने खरीद लिया तो बाकी का जो इसमें होगा 40% वही तो MI का पार्ट होगा, और 40% क्या होगा, 44,400। ये क्या है हमारा MI, यानी 44,400 MI है। रेशो क्या बना सर, रेशो अगर मैं आपसे पूछूं तो हमेशा रेशो ना शेयर कैपिटल का निकालना, और किसी का भी निकाल लो वही आएगा आपका। वैसे रेशो क्या बन रहा है हमारा, 5 था 3, तो 3:2, क्योंकि रेशो ये बनेगा ना आपका, देखो 60% होल्डिंग का, 40% इसका, ये होल्डिंग का और ये सब्सिडी का, तो काट पीट के क्या निकालोगे, 3:5:2, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि सर ये 44,400 रुपए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर आएगा, तो बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर। लेकिन अब मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा समस्या कह लो, प्रॉब्लम कह लो, जो मन में आए कह लो, ये है कि सर इस वाले का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इस वाले का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये प्रॉफिट कब कमाया गया है बताओ मुझे, ये प्रॉफिट कब कमाया गया है, ये प्रॉफिट कमाया गया है खरीदने के बाद, तो सर इस पे किसका अधिकार होगा, इस पे भी दोनों का अधिकार होगा सर। दोनों का मतलब MI वालों का भी होगा, कितने होगा आपका MI वालों का, 2/5। ये कौन है 40 में, कौन है, ये MI है, और ये कौन है, मेजोरिटी है सब, तो इसके अंदर यानी देखा जाए 15,000 में MI वाले का भी है और 4,000 में MI वाले का है, तो MI में ये दोनों भी जुड़ेगा, तब जाके एक्चुअल MI निकल पाएगा ना। तो इसके अंदर हम ऐड कर दें, यहां सर प्लस कर दो बिल्कुल, तो 15 और 4, तो सर इकट्ठा ही कर देते हैं, 19,000 में उसका निकाल के दे दो, 2/5 जो कितना होता है 15,000 × 2 / 5, 6,000,
6000 गलत तो नहीं कर दिया, 7600 है, सॉरी 7600 प्लस 44 52000। तो आप बताइए, सच सच बताइए, MI का हमें 44400 तक समझ में आया, और ये वाला कौन सा है, पोस्ट वाला प्रॉफिट, ये भी MI, तो यानी टोटल MI कितने का हो गया, 52000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आया? आप बुक में भी देख सकते हो, या फिर मैं तो करूँगा, बुक में क्या देखने की ज़रूरत है, करेंगे और उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा MI क्या आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए सर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब एच लिमिटेड का भी कुछ हिस्सा प्रॉफिट का कमाया हुआ है या नहीं है? है, कितने परसेंट है एच लिमिटेड का? टोटल प्रॉफिट 19000 था, 2/5 अगर इसका है तो बाकी अगर मैं इसकी बात करूं होल्डिंग का, तो 19000 में भी इसका अधिकार कितना होगा, 3/5, जो कि निकल के आएगा हमारा कितने, 11400। अब देखो मैं मोटा मोटी टेंटेटिव जो सुबह हमने जो पहले करा है वो सारी चीजें मैं एक बार कैलकुलेट कर लूं। सर सारे एसेट सारे लाइबिलिटी तो ऐड हो जाएंगे आपस में, लेकिन शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल होल्डिंग का तो होल्डिंग का रहता है, MI का हम MI का लिख देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इसके अंदर प्री पोस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो पोस्ट वाला प्रॉफिट जो भी होगा, जो कि आया निकल के 11400 है, वो एड ऑन हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में जाके। किसके रिजर्व एंड सरप्लस में जाके? होल्डिंग कंपनी के। और जो पुराने जो सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व हो सरप्लस हो उसका कोई काम नहीं करना है हमें, समझ में आई बात, यही करेंगे। अब मैच कर ले फटाफट, सबसे पहले हम नोट बना लेते हैं, किसका नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो सर ये तो बेकार का नोट है, शेयर कैपिटल की बात करें तो क्या होगा, आपको बुक में दे रखा है नहीं दे रखा देख लेते हैं, बस हमारा होल्डिंग का किसका हम यहां पे देखेंगे, कहां गया क्वेश्चन, कहां गया, ये रहा, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का देखेंगे तो 10000 शेयर होंगे ना, 10000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट 20, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, 2,00,000, और इसमें कुछ नहीं आएगा, 2,00,000। चलिए जी 2,00,000, नोट नंबर 1 आ गया 2,00,000। सर रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, रिजर्व एंड होल्डिंग, होल्डिंग का चेक करो जी, होल्डिंग का रिजर्व 60,000 होल्डिंग के बैलेंस शीट में, होल्डिंग का सरप्लस, अब ऐसे कर लेते हैं इसको थोड़ा और अलग कर लेते हैं ना स्पेसिफिक, ये है होल्डिंग का देखते हैं, होल्डिंग का खुद का 60,000, और जो कमाया वो भी लिख दें इसमें, मैंने यहां पे इकट्ठा लिख दिया 11400, लेकिन 11400 दोनों है, ये कौन बताएगा रिजर्व का कितना आएगा, रिजर्व से कितना कमाया सर? सर रिजर्व से तो कमाए 15, या मैं उसको और स्पेसिफिक करता हूं आपके लिए, 15,000 का जो रिजर्व है वो है हमारा 3/5, और जो सरप्लस है वो है 4,000, इसका होगा हमारा 3/5, तो ये आ गया हमारा 9,000, दूसरा क्या आ जाएगा 2,400, ठीक है। तो रिजर्व वाले को और स्पेसिफिक, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और हमें अच्छे से पूरे पूरे नंबर दे, 9,000, हाँ 9,000 रिजर्व का, तो इस तरीके से ये बनेगा हमारा 15,000, और फिर सरप्लस, अच्छा 69, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका, इसका क्या रहेगा हमारा, इसका हमारा पहले का कितना था, पहले का खुद का 20 है, और 2,400 और ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 22, और दोनों को टोटल कर देंगे 69 प्लस में 22,400, ये आ जाएगा 91,400। तो सो दैट सर यहाँ पे 91,400 नोट नंबर 2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नोट नंबर 3 MI, नोट नंबर 3 सर, अब ये एक बात ध्यान रखना, पहला था शेयर होल्डर फंड और नोट नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट को देंगे, ये नोट तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है, सिंपल में कहीं भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नाम नहीं आता, जैसा कि आपने फाइनल अकाउंट में देखा था, ठीक है, सिर्फ कंसोलिडेशन में आ जाता है, क्या एक पॉइंट और माइनॉरिटी
इंटरेस्ट का। तो सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी वर्किंग नोट बनाना है क्या? देखो आपने कैलकुलेट कर लिया है, अब वर्किंग नोट सर कैसे करोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का? देखो कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैं कहूँगा टोटल शेयर होल्डर फंड किसका? माइनॉरिटी का, जो कि था 1,11,000, इसका 40%, तो 1,66,000 लिख रखा है ना यहाँ पे हमने, और 40%, तो ये आ गया हमारा 44,400 प्लस पोस्ट वाला प्रॉफिट। पोस्ट वाला अब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस एक साथ कर सकते हो, जो कि था हमारा कितना 19,000, और 19,000 का कितना है 2/5, जो कि आ गया हमारा 7600, और एग्जामिनर को हमने बता दिया ये आ गया 52, और नोट नंबर 2 के आगे लिख देंगे 52 और सॉरी 3 के आगे, कोई दिक्कत? समझ में आया? अब करंट लाइबिलिटी देखते हैं। करंट लाइबिलिटी का देखो वैसे बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं बना देता हूँ नोट नंबर 4। करंट लाइबिलिटी क्या क्या है इसमें? नहीं है क्या क्या, नाम बताइए, कुछ दे रखा है? क्रेडिटर ट्रेड पेबल बना देंगे, ट्रेड पेबल है ना। अब क्रेडिटर का जोड़ देते हैं, एक होल्डिंग का और एक सब्सिडरी का। होल्डिंग का कितने हैं? 30 और सब्सिडरी का 20, टोटल 50, और यहां पे हम दिखा देंगे सीधा 50 नोट नंबर 4। तो है ना आसान बिल्कुल, हम यहां पे नहीं दिखा रहे लेकिन इसके बदले हमने यहां दिखा दिया। अब मेरे पास नोट नंबर 5 बनाने की जगह तो है, चलो बना देते हैं नोट नंबर 5। एसेट्स को जोड़ेंगे पीपीई में, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में बताइए नोट नंबर, अगर मैं 5 बनाने जा रहा हूं तो क्या था हमारा होल्डिंग का बताइए? पीपीई और सब्सिडरी। होल्डिंग का 2,00,000 और सब्सिडरी का 1,50,000, तो ये आ गया हमारा 370। तो 370, तो ये भी आ गया नोट नंबर 2, 370। आपको याद होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है वो तो आपस में कैंसिल हो जाता है हमेशा, तो उसको तो कहीं दिखाना ही नहीं है। ये किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं? होल्डिंग कंपनी की। कौन सा कंसोलिडेट? क्या अच्छा नोट नंबर 5, ठीक है। अब नोट नंबर 6 इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में हालांकि मैंने आपको बताया ना गुडविल कैसे निकला, ये रहा। तो मेरे पास जगह नहीं है यहां पे करने के लिए, या यहां कर देते हैं, यहां तो है ना सर। इसकी भी कैलकुलेशन हो जाए तो फिर थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल देखिए गुडविल कैसे निकाला, हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट इन रुपीस 90,000। हमने होल्ड किया शेयर कितने का? होल्ड किया सर 1,11,000 का, कितने परसेंट? 60%, 66,600। तो आपका डिफरेंस क्या आ गया आपका, क्योंकि पेमेंट ज़्यादा किया गुडविल, 23,000। सिंपल सी बात है, कोई इसमें है ही नहीं, अब मैच हो जाना चाहिए बस ये। चलिए ये टोटल 393,400, ये 393। इसमें एक दो एडजस्टमेंट और ऐड होंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये, लेकिन दिमाग लगेगा इसमें। मैं इसलिए इसको लास्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे, कुछ ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसने पकड़ के करे ना शुरू से, उसको तो समझ में आ रहा होगा ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठा के करेगा जो बच्चा, समझ लो उसका पेपर में ये क्वेश्चन नहीं होगा फिर, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, वो परेशान हो जाएगा, सब कुछ तो आ गया, ये भी समझ में आ गया, जुड़ गया, अब ये गुडविल कहाँ से आया, वो पता है कहाँ परेशान होगा, सिर्फ दो, और एग्जामिनर नंबर कहाँ काटेगा, सिर्फ दो ही जगह बोलेगा, बाकी सब कुछ कर दो तुम। अगर तुमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर गलत निकाला ना तो नंबर नहीं देंगे हम आपको, इसलिए रेगुलर में तो इस बार सिर्फ पूछा गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के बताओ, उसमें भी बच्चों ने हल्ला मचा दिया, पेपर इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया। तो हम देखेंगे रेगुलर वाले क्वेश्चन को भी कर लेंगे जो आया था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट को निकाल के बताने के लिए भी आ सकता है। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा तो कितने का आएगा? 15 का नहीं आएगा, 10 का या 5 का, जो भी है सिंपल बनाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जिस किसी को भी डाउट अगर लगता है, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा डेट, हाँ 1 अप्रैल 2020, और बैलेंस शीट दे रखा है, बनाना हमें कब, 31/3 नहीं, कहता है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च
और इसने एक बार, हाँ थोड़ा सा डेट में गड़बड़ हो गया, उसको 21 कर दो बस। हाँ ऊपर वाले को 21 कर दो, नीचे 20 ठीक है। डेट क्वेश्चन में गलत थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो इसमें डेट अगर आप देखो क्या कह रहा है ये, 31 मार्च 2020। प्रिपेयर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2020, और इसने एक्वायर किया है अप्रैल 20 में। डेट हाँ ठीक है, डेट थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी भी आपको याद रखना। चलिए एक बार नोट करिए, फिर डाउट लेते हैं आप सभी का।